please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल किसान आंदोलन में 6 किसानों की मौत पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 6 जून की मंदसौर की रैली से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर में सभा करेंगे। इस बीच राज्य के कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने बयान दिया है कि जांच आयोग की रिपोर्ट आने से मारे गए किसान जिंदा नहीं हो जाएंगे। ने आयोग बनाया, आपने न्यायिक आयोग बनाया, 3 महीने में रिपोर्ट आनी थी मंदसौर की फायरिंग की जिसमें 6 किसानों की मौत हुई थी, आज 1 साल होने आ रहा आपकी रिपोर्ट नहीं आई। देखिए वो जांच का विषय है और उसमें समय लगता है। अब देखिए वो जांच रिपोर्ट आने से कोई वो किसान तो जीवित नहीं हो गया, वो तो एक दुर्घटना थी जो भी उसको जैसे भूकंप आ गया ऐसा है, भूकंप था वो, उसको कोई किसी को दोष देना ये भी ठीक नहीं है। वो इसलिए उसमें क्या है कि मुख्य रूप से उसमें बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं उसकी कि उसमें कोई निर्दोष आदमी उसमें फंसे नहीं, तो ऐसा ये ऐसी घटनाएं हो जाती है। 1 साल में ये नहीं पता चला गोली किसने चलाई? नहीं 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 वो सब चल रहा होगा ना, लेकिन फिर भी और सारी बातें हैं कि किसने गोली चलाई और गोली क्यों चलाई, किस परिस्थिति में चलाई, वो आयोग क्या है अब उसमें समय लग रहा है, बाकी तो रिपोर्ट तो आना ही है, उसकी आएगी। आपने कहा कि जांच रिपोर्ट आने से कोई किसान तो जीवित नहीं हो जाएगा, लेकिन उन परिवारों को तो इंसाफ मिल जाएगा? परिवारों के लिए देखिए उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती, वो तो एक दुखद घटना थी और उसको माना है, लेकिन अब फिर भी परिवार के लिए जो सहायता करना चाहिए या जो भी था वो मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। बिहार के गोपालगंज के सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में लेटे आरजेडी नेता महात्म चौधरी का डॉक्टर इलाज करने लगे। आरोपी की बाइक सवार बदमाशों ने आरजेडी नेता पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आरजेडी नेता को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। इस हमले में आरजेडी नेता के एक बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और दूसरा बेटा गोली लगने से घायल हो गए। आरजेडी नेता और उनकी पत्नी की हालत को देखते हुए दोनों को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति एकाएक 3 व्यक्तियां हैं, पूछताछ की और अंधाधुंध गोली चला दी। आरजेडी नेता पर हमले की खबर लगते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक अस्पताल पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को धमकाने से भी नहीं चुके। ये सचेत कर रहे हैं प्रशासन, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ईंट सीट में रखे जाएगा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं इस घटना के बाद जेडीयू विधायक रामसेवक सिंह भी घायलों का हाल जानने सदर अस्पताल पहुंचे। मेजर गोगोई के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी। मेजर गोगोई के होटल में एक लड़की के साथ मिलने के मामले में आज कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी। दिल्ली के कारोबारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में दोषी अबू सलीम की सजा पर आज फैसला आएगा। उन्नाव रेप केस में स्टेटस रिपोर्ट देने के बाद आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। गुजरात के नवसारी में हीरो के शोरूम के सामने खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बिहार के मुंगेर में वाहन चेकिंग के समय एक लड़का हादसे का शिकार हुआ तो गुस्साए लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के जवान की पिटाई कर दी। हरियाणा के चरखी दादरी में शराब से भरा ट्रक पलटने के बाद आसपास के लोग शराब की पेटियां लूट कर ले गए।